स्वागत है और एक नई वीडियो पर। तो फिलहाल मेरे दी सीधी हुआ हूँ बाजार जाने के लिए। हर शुक्रवार को बाजार होता है तो बाजार जाऊंगा कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं तिंजा। तो मैंने तो बोला है सिमल ब्लॉक के साथ जाऊंगा फिलहाल। और ये भी आ गया और एक दोस्त ऐड हुआ है। तो ये लोग बाजार जा रहे हैं तो बाजार में उन लोग को लिंक कर देगा। उसके बाद मैं खेती जाऊंगा से आके सीधा और बाजार आऊंगा। तो मिलता है थोड़े देर के बाद। तो दोस्तों और पितरो डालना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत लो हुआ है इसीलिए डालना पड़ रहा है। तो पितरो डालने के बाद और रवाना होंगे यहाँ से। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पितरो तो डाले लिया ना। बस तो दोस्तों पहुंच गया है ब्रिज पे जहां बाजार लगता है। बाजार तो उधर ही होता है। तो अभी हम लोग कहां जहां खेत वगैरह करते हैं उधर ही जाऊंगा। तो इन लोग रहेगा कौन जाएगा मेरे साथ? मैं तो नहीं रहूंगा। मैं तो ये मेरा साथ जाएगा, ये इधर ही रुकते रहेगा। तो उसके बाद ही जाएंगे। तो दोस्तों फिर से पहुंच गया है हम लोग जहाँ खेती वगैरह करते हैं उधर ही। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे होंगे ताऊ जी ने कुछ सामान वगैरह रखने का जुगाड़ बना रहा है। तो ये गौर से देखिए, इस तरह से दिखाई देता है। पापड़ पिटी तो इधर ही रहता है ताऊ जी। तो दोस्तों और मैं एक चीज दिखाऊंगा, चीज यानी बास्केट दिखाऊंगा जैसे ताऊ जी ने बनाया हुआ बास्केट। आप लोग वीडियो पर बन रही है और देखते रहिए, अभी देखना मिलेगा किस टाइप का बनाया है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए बहुत सुंदर से बनाया है। मजबूत होने के लिए इस तरह से रखा है ताकि पूरा मजबूत हो जाए। ये देखिए वाह, और बहुत सारा बनाया है, इधर भी बनाया है। ये देखिए कुछ बियर, काले बियर रखा है, काले बियर बॉटल्स। और यहाँ भी बनाया है, हम लोग इस टाइप का बनाना से बोलता है हाल लोग। ये देखिए कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। तो और यहाँ भी देखिए, ये भी सब बनाया हुआ है ताऊ जी ने। तो आप लोग तो देख लिया तो कैसा लगा, वहाँ तो अभी तक की जारी है। तो दोस्तों अभी मैं दिखाऊंगा जो ताऊ जी बना रहा है वो लांच, जो बकेट वो पूरा कंप्लीट हुआ है। ये देखिए इस तरह से बनाया है, यहाँ मुर्गी वगैरह रखने के लिए, मुर्गी या मुर्गा रखने के लिए अंदर। ये देखिए वो अच्छा से बनाया है, बहुत सुंदर। ये देखिए वाओ। तो दोस्तों ताऊ जी घर से अभी निकल पड़े हैं। तो सुबह को तो ब्रेकफास्ट नहीं किया है इसलिए ब्रेकफास्ट करना है। तो मेरा मॉम बना रही है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट खाने के बाद ही और यहाँ से रवाना होंगे डायरेक्ट सीधा बाजार की तरफ। तो बाजार से जाएंगे सीधा बस्ती का घर वो है, और थोड़ा देर के बाद यानी ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट भी कर लिया है तो अभी बाजार की तरफ ही रवाना होंगे। अभी ये देखो सब हाल मार के आया है। हाँ यहाँ देखिए, यह हाल मार के यहाँ आ गया। सब फसना फसना हो गया, सेहरा भी एकदम कैसा हो गया, बंदर जैसा हो गया सेहरा भी। क्या करेगा, उपाय नहीं करना पड़ता है। उपाय नहीं है तो करना ही पड़ेगा, नहीं करने से पेट नहीं भरता है। ठीक है हम लोग खाना खा रहा है, थोड़ा बाहर में आराम करो। हम लोग का आदमी तो ऐसा है, काम तो करना पड़ता है, बिना काम से कोई ऐसे खाना नहीं मिलेगा, फैट भी नहीं भरेगा, इसलिए फैट पालने के लिए तो काम करना पड़ता है। तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। तो यहाँ स्कूटी रख के जाएंगे, सब लोग यहाँ रख के जा रहे हैं। चलो तो आप लोग बने रहिए।
तो दोस्तों यहाँ से शुरू होता है प्योर ऑर्गेनिक बीज देवपुर मार्केट। यह देखिए प्योर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। तो दोस्तों मैं वेयर ही ढूंढ रहा हूँ, वेयर होगा, वेयर नहीं है। तो दोस्तों मैं तो ले लिया है ये वाला, बहुत सस्ता से दे दिया है 100। तो बेल्स आए बनाने के लिए। दोस्तों मैं तो सब कुछ ले लिया है, यानी बेल वगैरह और वेयर, वो भी इनर वेयर सब कुछ ले लिया। तो अभी थोड़ा मोड़ा घूम के घर के तरफ फिर आना होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग घर की तरफ फिर बना होंगे बाजार से। तो जो लेना है वो तो सब ले लिया मैंने। तो ये तो कुछ नहीं लिया है, बस ऐसे ऐसे। तो मिलते हैं घर पहुंचने के बाद। तो दोस्तों मैं घर पहुंच गया हूँ। तो मैं अभी कपड़ा वगैरह धुलाने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए चोर पूरा पतला हुआ है। तो मैं तो कपड़ा वगैरह धुलाने का बाद और उमिचार का रूम की तरफ ही रवाना हुआ हूँ। तो मिलते हैं सीधा उमिचार का रूम पहुंचने के बाद। दोस्तों इधर ही बैठे हुए उमिचार ने। मैंने तो रूम का अंदर ढूंढ रहा आपको। ठीक है, ठीक है। कपड़ा धुलाने का बाद इधर आ गया। मुझे ना सर्दी हो गया था, उसके वजह से आज ब्लॉगिंग भी मैंने नहीं किया, तो जस्ट लाइव में आ गया। तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों से बात किया। और बेटी यहाँ पे तो टेबलेट दवाई वगैरह तो हो गया। फिलहाल ठीक है, इसलिए बेटा हूँ बाहर। और आज का मौसम भी देखिए ना। देखिए दोस्तों मौसम बहुत ही खराब है, इसलिए तो सर्दी होने का चांस है, इसलिए तो बाहर नहीं निकलना है ना। वही तो, मेरा अभी ठंडा भी लग रहा है। चलिए बेटी तो सिस्टर कुछ बोलिए। अरे मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। नया मोबाइल लिया है, पार्टी तो बनता है ना। ये दोस्तों देखिए नया मोबाइल ले लिया, वाओ, रेडमी 12। तो दोस्तों उम्मीद चार भी अभी लॉन्च नहीं किया है, लॉन्च करने जाएगा। लॉन्च करूंगा मैं भी, तो सुबह से बैठा हुआ हूँ एकदम। सुबह ब्रेकफास्ट किया था, कंडीशन ठीक नहीं है ना, इसलिए बहुत ज्यादा सर्दी हुआ है, कमजोर हुआ है। तो यहाँ भी आ गया एस प्रिया ब्लॉग। हेलो, हाय, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों बस इतना ही, मैं वीडियो अभी समाप्त करा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट।